वेलकम टू माई चैनल एंड आज मैं कीबोर्ड का रिव्यू करने वाली हूँ। इसको HP का K500F बोलते हैं और ये काफ़ी फेमस है लोगों के बीच जिनको भी कीबोर्ड लेना है। ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, मैकेनिकल कीबोर्ड से थोड़ा अलग है बट ये बहुत बहुत वर्थ है। अगर आप कीबोर्ड लेने की सोच रहे हैं तो आज इस वीडियो में इसकी मैं रिव्यू करके दिखाऊंगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी अनपैकिंग कर दी है कीबोर्ड की और ये कितना प्यारा लग रहा है। आप इसके एक कवर से ही देख सकते हैं। HP का ये गेमिंग कीबोर्ड है, K500F मॉडल नंबर है इसका। देखिए मैं पास से दिखा देती हूँ कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। इसका हाइट एडजस्टमेंट है 7 डिग्री का, आप इसको एलिवेट कर सकते हैं और इसमें LED लाइटिंग है। बेसिकली ये RGB कीबोर्ड है एंड इसमें आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं, आपको रेनबो कलर मिलेगा। आपको मैं दिखा देती हूँ पीछे से इसमें क्या क्या लिखा है इसके बोर्ड पे। ये एक USB वायर कनेक्शन टाइप है जो इसकी वन ऑफ द स्पेसिफिकेशंस हैं। दूसरे स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये इसका जो बटन प्रेस लाइफ है वो अप टू 10 मिलियन क्लिक्स पर है और इसका जो रेटेड वोल्टेज या करंट है वो है DC डायरेक्ट करंट 5 वोल्ट का। ये विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 सबको सपोर्ट करता है और इसकी जो केबल लेंथ है वो काफ़ी लंबी है 1.6 मीटर, जो एक एवरेज स्टैंडर्ड हाइट होता है एक नॉर्मल कीबोर्ड का। इसका वेट है 698 ग्राम, जो आई थिंक ओके है, एक एवरेज वेट है फॉर अ कीबोर्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे और कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं कीबोर्ड के बारे में। इसमें LED बैकलाइट है जो इसका वन ऑफ द हाईलाइट एलिगेंट फंक्शनैलिटी है जो बहुत ही इन्हांस करती है इस कीबोर्ड को। और इसका जो पीछे का पार्ट है वो मेटल पैनल का है और वो रस्ट फ्री है, उसमें स्क्रैच भी नहीं होता, वो स्क्रैच रेजिस्टेंट है। HP इसमें 1 ईयर की लिमिटेड वारंटी देता है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और इसमें बहुत तरह के आपको फंक्शंस मिल जाएंगे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए। चलिए इसको खोल के देखते हैं फ्रेंड्स कि अंदर से ऑन ग्राउंड। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ओपन कर लिया है इसे कवर को और आप देखिए कितना प्यारा है। इसमें HP की ब्रांडिंग कर गई है और मैं इसको बाहर निकालती हूँ। आप ये देख सकते हो कितना प्यारा एलिगेंट लुक है इसका। मैं पास से दिखा देती हूँ आपको। ये इसके कीस हैं जो बहुत ही प्यारी लग रही है। आप देख सकते हैं ये मेटल का है, ये रस्ट भी नहीं होगा और ये नॉर्मल आपकी सस्ती प्लास्टिक के जैसा नहीं है जो बाकी कीबोर्ड्स में देते हैं। इसमें HP की ब्रांडिंग कर रखी है। मैं ऊपर से दिखा देती हूँ कि ये कितना प्यारा लग रहा है, ये कितना एलिगेंट लुक है। ये काफ़ी कीबोर्ड से काफ़ी यूनिक है इसका स्टाइल, इसका डिज़ाइन। और इसमें HP का भी भरोसा है, लोग HP पे भरोसा रखते हैं। HP के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो एवरलास्टिंग होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स नॉर्मली अच्छे होते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। चलिए इसको लैपटॉप में लगा के देखते हैं कि कैसा दिखता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने अभी इसको खोल दिया, मेरा लैपटॉप भी ऑन है। अब मैं जो आपको इसके ऑन ग्राउंड फंक्शनैलिटी दिखाने वाली हूँ कि ये किस तरह से होता है और किस तरह से लगता है ये ऑन करने के बाद, प्लग इन करने के बाद। ये मैं बताना चाहती हूँ, ये कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट मिल जाता है बॉक्स के अंदर कीबोर्ड के साथ। आप देख सकते हैं इसमें ये आपका यूजुअल मैनुअल है जिसमें इस पर्टिकुलर कीबोर्ड में क्या फंक्शनैलिटी है, कौन क्या करता है, उसके बारे में डिटेल में दे रखा है। अगर आपको किसी भी चीज़ का मैनुअल गाइड चाहिए तो ये इसमें आपकी हेल्प करेगा। दूसरी, ये आपकी वारंटी और आपका बेसिकली गारंटी वारंटी की जो HP क्लेम करता है इस कीबोर्ड से, उस पर उसका ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। चलिए मैं इसको देखिए, आप इसमें लिखा है प्रोडक्ट वारंटी कार्ड, तो इस पर आप जो भी ये वारंटी क्लेम करता है उसके विदिन कभी भी आपका जो ख़राब होता है कीबोर्ड तो आप इसको क्लेम करके अपना कीबोर्ड ठीक करवा सकते हैं। तो चलिए अभी अपने कीबोर्ड पे फोकस करती हूँ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। इसकी जो लेंथ है पूरे कीबोर्ड की बहुत ही प्यारी है और ये बहुत यूनिक है क्योंकि जितने मैंने नॉर्मली देखे हैं मोस्टली जो कीबोर्ड हैं
वो बहुत ही चीप प्लास्टिक के आते हैं, बहुत सस्ती प्लास्टिक के आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो मटेरियल क्वालिटी है उसका डिफरेंस कितना सही लग रहा है। ये पूरा मेटल पार्ट है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। अगर मैं आपको इसकी साउंड दिखा दूं तो साउंड देखिए, मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ, ये है, आप देख सकते हैं कि आपको इसमें पास में ही आपको ये चीज़ें जो कीवर्ड्स हैं ये हाईलाइट हो रही हैं, बट अगर आप दूर देखेंगे तो आपको कीवर्ड्स बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत वेक दिखता है, बहुत हल्की दिखती है। तो इसकी कोई बड़ी इशू नहीं है कि वो ये इनके कीबोर्ड ऐसे दिखते हैं। एक्चुअली में ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये तभी उभर के आते हैं जब ये लैपटॉप के साथ कनेक्ट होता है, मतलब बेसिकली जब ये, आप देख सकते हैं मैंने इसकी वायरिंग निकाल दी है, देखिए बहुत ही लंबा है, ठीक है, तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं इसमें इसकी जो कॉर्ड है इसमें HP की ब्रांडिंग दे रखी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। चलिए मैं इसको कनेक्ट करके दिखाती हूँ कि ये लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के बाद कैसा लगता है। कनेक्ट कर दिया है और ये RGB लाइटिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही यूनिक लग रहा है और बिल्कुल भी सस्ता नहीं लग रहा। नॉर्मली HP अपने ये गेमिंग कीबोर्ड है और आप नॉर्मल अगर इस रेंज में देखते हैं तो उनके जो कीबोर्ड का मटेरियल होता है बहुत ही सस्ती होती है, प्लास्टिक का बना होता है और बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होता, बट आप देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी है और बहुत स्ट्रांग है, ये बिल्कुल भी प्रेस करने पे भी कुछ नहीं हो रहा और ये बहुत स्टिफ है, स्टैटिक है, बहुत स्ट्रांग है। इसकी जो फंक्शनैलिटी मैं दिखा दूँ, ये जो ये बटन है इसको प्रेस करने से इसकी जो HP की ब्रांडिंग है वो ऑन हो जाता है और मैं अगर इसको ऑफ़ करूँ तो ये ऑफ़ हो जाता है। तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप इसको कब ऑन करना चाहते हैं और कब ऑफ़ करना चाहते हैं। दूसरी फंक्शनैलिटी इसकी ये है कि अगर आप इसका जो फंक्शन है, फंक्शन की FN और 1 को दबाएंगे तो आपका जो इसमें आप मोड चेंज कर सकते हैं। वेट, आप देख सकते हैं कि इसके जो बटन्स हैं ये थोड़े से अंदर मुड़े हुए हैं, तो ये बहुत सही होते हैं ऐसे चीज़ें, क्योंकि इसके कोने जो होते हैं पीछे नहीं होते, मुड़े हुए होते हैं, तो आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत ही स्मूथली आप टाइप कर सकते हैं और ईजी आपको कम्फर्ट में टाइपिंग कर सकते हैं बहुत लंबे टाइम पर, आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी आपके फिंगर्स में। और बेसिकली पर्सनली मुझे ऐसे चीज़ है, मुझे ऐसी पसंद है, वो थोड़े से अंदर दबे होते हैं और एज कम्पेयर टू अदर चीज़ें जिसमें जो ऊपर की लेयर होती है वो काफ़ी सीधी होती है, मतलब बहुत काफ़ी फ्लैट होती है और उसके कोने भी बहुत हर्ट करते हैं। प्लस वो ऐसे कीबोर्ड्स भी होते हैं जिनके कीज़ बहुत ही पास होते हैं और बहुत कम्पैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल भी स्पेसिंग और गैपिंग नहीं होती, तो उनको और दिक्कत होती है। बट आप जैसे कि देख सकते हैं इस कीबोर्ड में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, HP ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इस कीबोर्ड को बनाया है और आप देख सकते हैं इसमें बहुत एडिक्वेट और एक्यूरेट गैपिंग करी गई है कीज़ के बीच में, और इसके जो प्रेसिंग जो बटन्स हैं वो भी काफ़ी अंदर थोड़े से दे रखे हैं ताकि प्रेस करते वक्त काफ़ी अच्छा फील रहे, कंफर्ट रहे यूज़र्स को। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक धमाका वाला कीबोर्ड है, अगर आप लेना चाहते हैं बेशक इसको ले सकते हैं, मैं आपको ये पक्का रिकमेंड करूँगी। इसकी जो ब्यूटी है वो नॉर्मली अंधेरे में यूज़ करते वक्त इसकी ब्यूटी निखर के आती है, तो अगर आप रात को यूज़ करने वाले यूज़र हैं जो नॉर्मली रात को बैठ के काम करते हैं, काम करना पसंद करें अंधेरे वाले लैपटॉप करके, तो उनके लिए परफेक्ट है कीबोर्ड, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कीबोर्ड के साथ, आप बेशक इसको बेशक इसको ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप बिल्कुल ले सकते हैं, पीछे से दिखा देते हैं कि पीछे कैसा दिखता है। इस कीबोर्ड में पीछे HP के बारे में, इसके प्रोडक्ट नेम के बारे में कब बना था और इसका ये मेड इन चाइना है, आप HP के बारे में देख सकते हैं। पीछे इसका ये दो एलिवेट वाले मिल जाते हैं जो कीबोर्ड को एलिवेट रखेंगे, नॉर्मली इसका 7 डिग्री एंगल में होता है इसका एलिवेशन, तो आप देख सकते हैं ये आपको टाइपिंग में बहुत अच्छा फील देगा। देखिए ये इतना ऊपर उठा हुआ है, आप देख सकते हैं
मैं आपको अब लाइट बंद करके दिखाती हूँ कि अंधेरे में कैसा लगता है। देखिए कितना प्रिटी लग रहा है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इनके अल्फाबेट्स को देखने में अंधेरे में। और आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से विजिबल हैं और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल चीप नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली HP का है और ये मुझे अमेज़ॉन से 1119 रुपीज़ में मिल गया था, जो इसके नॉर्मल प्राइस से काफ़ी डिस्काउंटेड अमाउंट मिला है मुझे। तो मैं बिल्कुल खुश हूँ इस आइटम से, तो मैंने परचेज़ किया अमेज़ॉन से। आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी लग रहा है, रात को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये HP है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वैसे ही बंद नजर रख सकते हैं, अगर चाहिए तो आप नॉर्मल नॉर्मली ऑन कर सकते हैं। इसकी दूसरी फंक्शनैलिटी है कि जो अगर आप इसके जो कलर्स हैं उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आपको इस नॉर्मल जो RGB लाइट है उसमें चाहिए या फिर आपको इसको एडजस्ट करना वो भी कर सकते हैं। तो इसका पहला जो मोड है एडजस्ट करने का, वो है फंक्शन बटन को प्रेस करके 1। तो आप देख सकते हैं ये इसकी ब्रीदिंग मोड है जिसमें ये धीरे धीरे ब्रीथ करता है। और इसका दूसरा जो फंक्शन है वो है FN दबा के एक और वन टाइम एक और बार दबाएंगे तो ये इसकी बीटिंग मोड है जिसमें ये जल्दी जल्दी धड़कता है, जैसे हार्ट बीट होता है। तो इसलिए HP ने इसको बीटिंग मोड का नाम दिया है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको बीटिंग मोड में नहीं रखना है, तो आप इसे FN और 1 को दबाइए तो आपको नॉर्मल स्टैटिक RGB लाइटिंग मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं चाहिए तो एक और मैं मोड दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही, मुझे स्पेशली ये बहुत प्यारा लगा ब्रीथिंग वाला, जिसमें इसके ब्रीथिंग मोड में आते हुए धीरे धीरे ब्रीथ करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है आप किस तरह से इस कीबोर्ड को दिखाना चाहते हैं या इसकी लाइटिंग्स को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो और एक हिस्सा है, आप कलर मैं इसको अभी के लिए स्टैटिक में रख देती हूँ, ठीक है। इसकी एक दूसरी और फंक्शनैलिटी है, वो ये है कि आप FN दबा के अगर आप इसकी लाइटनिंग के ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पेज अप करेंगे तो ये इसकी ऑब्वियसली अभी ऑप्टिमम सबसे ब्राइटनेस मैक्सिमम ब्राइटनेस में जो आपको दिखता है, आपको डाउन करना है तो आप इसे डाउन कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको बिल्कुल ही बंद हो गया, अगर ये मैंने FN और पेज अप मैंने दबाया तो इसका जो ब्राइटनेस है एडजस्ट हो गया। आप देख सकते हैं मैं अब पेज डाउन करूँगी FN दबा के, तो इसका ये लाइट कम हो गया, ब्राइटनेस बढ़ा रही हूँ मैं। ये इसकी सबसे मैक्सिमम लाइट है और ये डाउन करके ये सब बिल्कुल माइनस हो गया। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइटनिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ओवरऑल ये आइटम बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत ही खुश हूँ इस आइटम को परचेज करके। HP की ब्रांडिंग है, HP का भरोसा है इसमें, और मुझे प्राइस भी काफ़ी वर्थ में मिल गया। नॉर्मली जो ऐसे इतने यूनिक और एस्थेटिक लुक वाले जो कीबोर्ड्स हैं उनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है, और लाइक 1800 to 2000 के प्राइस में आप दूसरे ब्रांड में देख सकते हैं। बट HP ने इस कीबोर्ड के साथ बहुत जस्टिफाई किया है, और ये गेमिंग कीबोर्ड है जो स्पेशली गेमिंग लवर्स हैं उनके लिए परफेक्ट कीबोर्ड है। मैं उनको पक्का रिकमेंड करना चाहूँगी, आप इसको परचेज करिए बिल्कुल। और नॉर्मल जो नॉर्मल ऑर्डिनरी यूसेज के लिए, डेली लाइफ पे लिखने के लिए, ऑफिस वर्क के लिए जो यूज़ करना चाहते हैं, और उनके लिए भी जो लोग रात को बैठे काम करते हैं रात भर, तो उनके लिए परफेक्ट है कीबोर्ड। बहुत ही अच्छा मटेरियल है, स्टिच मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है क्वालिटी वाइज, और पूरे तरीके से देखी जाए तो आप इसको जरूर खरीद सकते हैं वायर्स। और मैं आपको लिंक अपने वीडियो के नीचे दे दूँगी, अगर आप इसको खरीदना तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने कहीं ना कहीं आपकी रिव्यू और आपको यू नो कीबोर्ड लेने में हेल्प करी हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ये आपके एग्जांपल के लिए, देखिए कीबोर्ड से ऑपरेट हो रहा है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा रिस्पांस टाइम है, बहुत ही सटीक रिस्पांस टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेटेंसी नहीं हो रही, बहुत अच्छे से खेला जा रहा है। ये जैसा जैसा यहाँ पे कमांड दे रहे हैं और ये वैसा वैसा कीबोर्ड फंक्शंस को ले रहा है।